कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के दिल्ली घेराव का आज 12वां दिन। 10 से ज्यादा राज्यों में फैला आंदोलन, लेकिन कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा नहीं होंगी कानूनों की वापसी। भारत के नए कृषि कानूनों के खिलाफ लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन, दिल्ली में डटे आंदोलनकारी किसानों का समर्थन, कई गिरफ्तार। 8 दिसंबर के किसानों के भारत बंद का कांग्रेस और वाम दलों समेत 11 से ज्यादा विपक्षी दलों और 10 श्रमिक संघों का समर्थन, आरएसएस से जुड़ा भारतीय किसान संघ नहीं होगा शामिल। दिल्ली के कई ऑटो और टैक्सी संघों ने किया 8 दिसंबर के भारत बंद का समर्थन। दूध, फल और सब्जी की सप्लाई पर रहेगी रोक, सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को रहेगी छूट। सरकारी तेल कंपनियों ने फिर बढ़ाए पेट्रोल डीजल के दाम। प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत 30 से 33 पैसे बढ़ी तो डीजल में 25 से 31 पैसे का इजाफा। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर पड़ी कमजोर। रविवार को आए सिर्फ 2706 नए केस, पॉजिटिविटी रेट भी घटकर हुआ 3.65%। सरम इंस्टीट्यूट ने मांगी ऑक्सफोर्ड के कोविड-19 टीके कोविशील्ड के आपात उपयोग की मंजूरी। ऐसा आवेदन करने वाला पहला स्वदेशी संस्थान बना सरम इंस्टीट्यूट। पीएम मोदी आज करेंगे आगरा मेट्रो का वर्चुअल शिलान्यास। 2 साल में ताज नगरी में चलने लगेगी मेट्रो। और भारत ने दूसरे T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। 3 मैचों की सीरीज में भारत ने ली 2-0 की निर्णायक बढ़त। T20 में लगातार 10 जीत का बना रिकॉर्ड।